उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मसूरी के एक स्कूल में धर्म के विषय पर चर्चा आयोजित की गई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा सभी धर्म से जुड़े हुए लोगों ने शिरकत की और अपने अपने विचार एवं अनुमान अनुसार धर्म को परिभाषित किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बताया कि सभी धर्म केवल इंसानियत सिखाते हैं, साथ ही साथ यह भी माना कि कुछ राजनेता लोग धर्म का उपयोग सत्ता के लिए भी करते हैं, मगर वे हमारी सोच पर है कि हम कहां जाएं। टॉकिंग फेथ सीरीज के माध्यम से लोगों तक ले जा रहे हैं ताकि लोग अपने आप से ये सवाल पूछ सके कि धर्म ने उनको जिस बंधन में बांधा है, क्या उनको उस बंधन से पूरी तरीके से बंधना चाहिए, और कहाँ धर्म और इंसानियत में कहीं अगर कोई क्लेश आता है, किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ उनको इंसानियत को जगह देनी चाहिए। ये जो बाउंड्रीज हैं रिलीजन की, जो रिलीजन के नाम से बनाई गई हैं, रिलीजन ने नहीं बनाई, तो रिलीजन की वास्तविकता समझकर, दूसरे धर्मों सबको समझकर, उसकी अंडरस्टैंडिंग से हम ये बाउंड्रीज तोड़ सकते हैं, जिससे पूरी मानवता में अमन चैन का वातावरण, शांति का वातावरण बन सकता है। राजनीति में धर्म तो सदियों से चलता आ रहा है, आज की नई बात नहीं है, ये तो सदियों से बहुत पुरानी बात है, तो ये तो चलता रहेगा, पर मुद्दा ये है कि हम कैसे इसको देखें। और मुझे लगता है ऑर्डिनरी सिटीजन के हिसाब से, आम नागरिक के हिसाब से, हम इसको ऐसे देखें कि हमारे जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि आज धर्म को जिस दायरे में हम देख रहे हैं, उससे हटके धर्म क्या कहता है उसको समझना और अच्छा इंसान बनना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, जो हमारा यूथ है, ये जो आज के माहौल में धर्म को हम बिल्कुल संयुक्त और संक्षिप्त दायरे में देख रहे हैं, उससे हटके उसका क्या एक्चुअल एसेंस है, हर धर्म क्या कहता है, दूसरे के धर्म को समझना, अपने धर्म के बारे में समझना और उसके साथ एक अच्छा इंसान बनना, ये इसका पूरा। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।